अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बना रहे हैं झटपट हरी मिर्चों का अचार, क्योंकि अभी हमारे पास हरी मिर्चें बहुत ज़बरदस्ती मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसके लिए मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें जो कि तेज़ होती हैं टेस्ट में, उनको छोटा छोटा बारीक काट रखा है। एक लीमू ले रही हूँ मैं अपनी, तकरीबन मेरी 6 हरी मिर्चें थी उसके लिए मैंने एक लीमू लिया है। एक लहसुन के जवे को मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है, और ये 4 कड़ी पत्ते थे, पत्ते सूखे हुए, उसको मैंने हाथ से चूरा कर लिया है। और मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पैन में मेरा थोड़ा सा तेल गरम हो रहा है, जैसे तेल मेरा गरम है बिल्कुल फ्लेम इसका स्लो है, मैं इसमें ये अपने तेल मेरा इतना है कि जैसे अचार हम थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही रखते हैं ना, तो इस हिसाब से मैंने तेल इसमें ऐसा रखा है। फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो ही रखना है, कोई भी चीज़ जले ना। जब हमारा थोड़ा सा लहसुन जो है वो ब्राउन हो जाएगा, मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरा मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकती हूँ, आप अपने हिसाब से ज़ीरा ऐड करें। जब ये सब चीज़ें गोल्डन ब्राउन होने लगेंगी तो फिर हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें। जब हमारा लहसुन, ज़ीरा और कड़ी पत्ता ये तीनों चीज़ें ज़रा ब्राउन होने लगेंगी, तो अब मैं इसमें सारी अपनी हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर देना है इस स्टेज पे, क्योंकि हरी मिर्चें हैं तो बाज़ों का उसके जो दाने होते हैं वो फट के मुँह पे भी आ सकते हैं। बिल्कुल मैं अपना देखूँ, फ्लेम बिल्कुल स्लो कर रही हूँ मैं इस स्टेज पर, और अब मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन होने दूँगी, हरी मिर्चों को पकने दूंगी। अच्छा जी, जब हमारी हरी मिर्चें इतनी फ्राई हो जाएं, थोड़ा सा इसको नरम कर लेना है मिर्चों को, वरना अगर ये बिल्कुल कच्ची कच्ची मिर्ची होंगी तो ये बहुत तेज़ होती हैं और ये खाने के काबिल नहीं होती छोटी वाली मिर्चें। स्पेशली पाकिस्तान की तो मिर्चें बहुत ही तेज़ होती हैं, तो जब ये थोड़ी सी नरम हो जाएंगी मैं इसमें एक चुटकी नमक शामिल कर रही हूँ, सही है। इसी के साथ मैं बिल्कुल इसमें लीमू निचोड़ूंगी। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पे चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं इसमें, वो एडिशनल होता है चाट मसाला, मगर बस हमें झटपट अचार बनाना है तो हम इसमें कोई और चीज़ नहीं शामिल करें। बस ये इसको अच्छी तरह मिक्स किया नमक डालने के बाद, अभी हमारा अचार तैयार है। इसको थोड़ा सा मैं चूल्हा बंद कर दूँ, इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको किसी बर्नी में खाली करके रख दूँगी। अभी ये बहुत गर्म है तेल, इसलिए हम इसको किसी चीज़ में खाली नहीं कर सकते। झटपट अचार।